सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल साजी मल्टीमीडिया को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो। तो दोस्तों मैं हूँ सजीम और आज हम आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक स्कॉलरशिप पर कैसे फॉर्म भरना है। दोस्तों हम तो ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपके खातिर हम आज बना रहा हूँ कि अगर आपको मैट्रिक स्कॉलरशिप पर फॉर्म भरना है तो कैसे भरेगा। तो दोस्तों आज हम करने वाला हूँ फ्रेश लॉगिन, और फ्रेश लॉगिन करने के बाद उस फॉर्म को कैसे भरा जाए मैट्रिक स्कॉलरशिप पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारा वेबसाइट पर lspgov.in से सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए अब हमारा खुल चुका है, तो होम पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका होम आ चुका है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको इधर देखने को मिलेगा लॉगिन टू अप्लाई, उसको ऊपर क्लिक करेंगे। इधर हमको जो एप्लीकेशन आईडी मिला है वो हम डालेंगे। अब हम कहेंगे आप इधर हम जो भी हमको पासवर्ड मिला है, हमारा पासवर्ड है वो हम डालेंगे। हमारा जो पासवर्ड होगा वो होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर्स। ठीक है, तो मैं फटाफट डाल लेता हूँ। सब तो इधर कैप्चर कोड डालना होगा, तो कैप्चर कोड डालना है। मैं अभी लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ कैप्चर। दोस्तों इधर हमारा कैप्चर वैलिड नहीं, तो कैप्चर को हमको फिर से डालना पड़ेगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपका कैप्चर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में डालना होगा, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में होगा। अगर 1 2 3 4 ऐसा करके दिया हो तो ऐसा ही लिखना होगा। ठीक है, तो अब लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब हमारा इधर को दिखा रहा है दोस्तों पासवर्ड OTP। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड OTP। तो दोस्तों हमको वन टाइम पासवर्ड OTP के लिए कुछ टाइम वेट करना होगा। तो दोस्तों हमारा मोबाइल में आ चुकी है, अब मैं क्या करता हूँ, हमारा OTP फटाफट डाल लेता हूँ। OTP के डालने के बाद दोस्तों इधर हमको कॉन्फर्म करना होगा, कॉन्फर्म OTP पर क्लिक कर देता हूँ। इधर आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। दोस्तों पासवर्ड जो होगा कुछ इस टाइप से होगा, उसके बाद दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद सबमिट क्लिक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप हमारा खुल चुकी है, तो दोस्तों इधर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा फॉर्म जो है वो पूरी खुल चुकी है। अब हमारा रिलीजन जो है मुस्लिम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इधर हम जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर हमारा जो भी फादर नाम है वो हम दे देता हूँ। दोस्तों हमारा जो एनुअल इनकम है वो हमको देना पड़ेगा इधर। ठीक है,
वेदर डे स्कूल। तो दोस्तों इधर हमको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। दोस्तों इंस्टीट्यूट कुछ इस टाइप से होगा, आपको इधर आपका स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब हम इधर हमारा जो स्कूल का नेम है वो हम सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट का नाम हमारा इधर देखिए लास्ट नंबर पे आ चुका है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि दोस्तों इधर देखिए हमारा जो स्कूल का इधर देखिए दोस्तों हमारा स्कूल का जो नेम है वो दोनों सेम है, लेकिन उसका जो आईडी है, स्कूल का आईडी है, वो दो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉलो करना होगा अगर एक ही नाम से दो स्कूल हो तो। इधर से हम इसे ओके करता हूँ और इधर से सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हमारा इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इधर आपको करना होगा प्रेजेंट क्लास। दोस्तों आप जो प्रेजेंट क्लास है आपका वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट क्लास इधर है, टू है, तो उसका कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट क्लास डेट, इधर आपको स्टार्ट किस तारीख से क्लास स्टार्ट हुआ है वो आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। तो हमने डेट को डाल लिया हूँ। अब हमको इधर जो हमारा लास्ट एग्जाम पासेड या क्लास था वो इधर आ चुका है, और इधर हमको ईयर्स जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो हमने 2017 कर देता हूँ, और इधर हमने हमको मार्क्स डालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मार्कशीट से आएगा, इधर हम मार्क्स डाल लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको इधर कुछ भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आपका ट्यूशन फी है तो ट्यूशन फी कर सकते हो, अगर आपका एडमिशन फी है आप एडमिशन फी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैच फी है तो आप मैच भी कर सकते हो। तो मैं इधर सिर्फ ही सिर्फ ट्यूशन फी देने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको इधर मेडल स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो इधर अनमेरिट कर देता हूँ। दोस्तों इधर आपको आपका फादर क्या वर्क करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रीड वर्कर, मैंने ब्रीड वर्कर पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको इधर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमको कुछ इस टाइप से आएगा, आपको पहले इधर स्टेट जो है दिया था वही आपको सिलेक्ट होकर इधर आ जाएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। हमारा ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने ब्लॉक भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, मैं पिन कोड भी डाल चुका हूँ। अब हमको जो हाउस नंबर है वो हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इधर आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका 50% से नीचे नंबर है तो आप इधर क्लिक करिए, अगर ऊपर है तो प्री मैट्रिक पर क्लिक करिए, और फाइनली सबमिट पर क्लिक।